रुद्रप्रयाग पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ रतुड़ा में निर्माणाधीन रिसोर्ट वेलनेस सेंटर और गोदाम का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इसके निर्माण से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी तो वहीं सहकारी संघ की भी बेहतर आमदनी होगी। धन सिंह रावत ने कहा कि जनपद में स्वास्थ्य शिक्षा सहकारिता आदि विभागों में लगभग 100 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से लोगों की आजीविका को मजबूत कराने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सस्ता गल्ले की दुकान में मंडुवे को बेचाना अनिवार्य किया गया है। आज भारत के कई स्थानों पर पंच सितारा होटल में मंडुवे की रोटी विशेष रूप से मांग की जा रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज यूसेफ के द्वारा रुतोड़ा में एक गोदाम का निर्माण का यहाँ पे दिवस शिलान्यास हुआ है। दूसरा हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा पर्यटन की दृष्टि से जो है एक यूसेफ की तरफ से एक टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा रिसोर्ट बना ताकि पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, यात्री जो है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, यूसेफ के लिए भी एक यहाँ पे एक आमदनी का बड़ा केंद्र बन जाएगा। यूसेफ सस्ता भी लगभग 700 करोड़ की कीमत और हमारा टारगेट ये है कि हमारा जिसको 1000 करोड़ की संस्था बनाने जा रहे हैं। जितना भी चौलाई का उत्पादन हो रहा है हम यूसेफ के माध्यम से इसकी ब्रांडिंग करते हैं, मंडुवे की भी ब्रांडिंग हम यूसेफ के माध्यम से कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो यूसेफ जो है उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम